मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारा आज का डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हम तीन चैप्टर्स कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 है, आज हम इसे रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक सी बातें डिटरमिनेंट के बारे में। जो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसे डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से। और पहला पॉइंट यहाँ ये आता है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है A11 और इसका ऑर्डर है 1 by 1, तो इसका डिटरमिनेंट वही एलिमेंट हो जाता है जो उस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो डिटरमिनेंट हम निकालते कैसे हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि A11 A22 माइनस A12 A21, इस तरह से डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि 3 by 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम पहला एलिमेंट लेंगे A11, फिर उसके रो कॉलम को हम हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो हमने अभी पीछे सीखा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट बाहर रहेगा उसे पोजीशन के साथ लिखेंगे जो आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस तरह से निकाला गया है। जैसे ये सेकेंड एलिमेंट की यदि बात की जाए, हम इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं A12 की, तो अगर इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये ऑड आएगी, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखा गया है। इसका एग्जांपल भी दिया गया है कि यदि कोई मैट्रिक्स है 2 3 2 4, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 4 z -6, यानी कि 2। अब इसके बाद हम देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे, मतलब मैट्रिक्स देखेंगे। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाली लाइन ये गई है, देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम एंड इज डिनोटेड बाई एम आई जे। तो किसी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, वो जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे हम डिलीट कर देते हैं, और बचे हुए एलिमेंट्स का हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। इफ़ एम आई जे इज़ द माइनर ऑफ ए आई जे एंड को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज़ कैपिटल ए आई जे, तो हम सिंपल लिख सकते हैं को फैक्टर को पोजिशन के साथ माइनर, -1 की पावर i+j इंटू माइनर उस एलिमेंट का। तो जैसे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट का उसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो हम सिंपल डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपके सामने लिखा गया है। जैसे अगर हम एक चूज़ करते हैं, तो A11 उसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, इस तरह से डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ़ एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, अगर किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ कर दिया जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, उसका सम 0 आएगा। जैसे देख लीजिए, A11 इसकी मल्टीप्लाई A12 से किया गया है प्लस A12 A22, यानी कि किसी एक एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 -3 4, अगर माइनर निकालेंगे 1 1 का पहले वाले एलिमेंट का, तो ये माइनर क्या होगा, रो कॉलम डिलीट करेंगे बचेगा 4, और को फैक्टर क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या है, तो -1 की पावर i+j यानी कि 1 + 1 इंटू 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। उसी तरह से M12 होगा हमारा, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देख सकते हैं ये -3 लिखा गया है। और अगर कैपिटल A12 की बात की जाए, तो पोजीशन के साथ इसे लिखेंगे, तो हम 4 मतलब यहाँ जो -3 आने वाला है यहाँ 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, यहाँ 4 लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि अगर कैपिटल A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम की बात करें, -3 रहेगा ही, लेकिन इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसका एडजॉइंट क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं और उससे हम उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। एडजॉइंट का सिंपल मतलब यदि देखा जाए, तो ट्रांसपोज हम यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, इसी तरह से मैंने इसे याद किया है। तो सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो उसका एडजॉइंट निकल जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ हैं कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से कर देंगे, या एडजॉइंट की मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स से कर दिया जाए, तो इसका इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि 0 है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और नहीं तो वो नॉन सिंगुलर होगी अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो। इफ़ AB = BA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
यहाँ पे बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे बी इनवर्स है ए का, या फिर ए बी का इनवर्स है, तो इसे लिखा जाता है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। और एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ए इनवर्स और उसका इनवर्स कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। और इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब चलिए बात हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। जैसे देखिए, इफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री, देन वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, एक्स यहाँ लिखा गया है, एक्स वाई जेड, बी डी वन डी टू डी थ्री है जो कि इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी का होगा ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू दी सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और उसका इनवर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो दो केसेस आते हैं, सबसे पहला कि हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर वो नॉन ज़ीरो आता है, ज़ीरो नहीं आता है, तब तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसका मतलब वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। लिखा है ना कि दिस सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस केस में हमें निकालना पड़ेगा उसका सोल्यूशन। सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं निकलेगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो तीनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि जीरो नहीं है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो दो केसेस हैं, सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, और अगर वो जीरो नहीं हुआ तब सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर वो भी जीरो हो गए, दोनों चीज़ें जीरो हो गई, तो कोई संभावना हो सकती है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। लास्ट टॉपिक इसका आता है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं। मान लीजिए तीन पॉइंट्स हैं, तीन कॉर्नर्स हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ये वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल की, तो इसकी एरिया हो जाएगी वन बाई टू, डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, और कॉर्नर में यहाँ वन 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 फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल लिखा गया है कि वन कॉमा टू थ्री कॉमा फोर माइनस टू कॉमा फाइव, ये वर्टिसेस हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकाल के फाइंड कर सकते हैं जो कि सिक्स स्क्वायर यूनिट्स आई है। वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकॉज एरिया इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, तो डिटर्मिनेंट की हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो बस यही थे इस चैप्टर के अंदर, सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से देख ली हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसे बार बार आप देखिएगा, इस पर सवाल लगाइए, क्योंकि सवाल जब तक आप नहीं लगाएंगे तो इस फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।